नेल्सन हॉस्पिटल और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर से गुरुवार को वर्ल्ड हियरिंग डे के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बचपन से जो बच्चे सुन नहीं सकते उनकी मुफ्त में जांच की गई। अपना पसंदीदा संगीत सुनना हो या फिर फोन पर बातें करना, सुनने की क्षमता बेहतर होना सबसे आवश्यक माना जाता है, पर दुर्भाग्य से कुछ लोगों को जन्मजात जबकि कुछ को समय के साथ सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक हमारी जीवन शैली और आहार का भी सुनने की शक्ति पर प्रभाव पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में बधिर और सुनने में अक्षमता वाले लोगों की संख्या 63 मिलियन के करीब है। इस तरह की समस्याओं से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है, जिसके चलते बुधवार को नेल्सन हॉस्पिटल और राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बचपन से जो बच्चे सुन नहीं सकते उनकी मुफ्त में जाँच की गई। इस अवसर पर बात करते हुए नेल्सन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अपना मनोगत व्यक्त किया, साथ ही बताया कि 20 से ज्यादा लोगों को अब तक हमारे यहाँ ईयर सर्जरी की गई है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल कुमार भगत, सेंटर एट नेल्सन हॉस्पिटल। आज हम लोग जो देख रहे हैं, हमारे पूरे देश में करीबन 20 लाख बच्चे ऐसे हैं जो जन्म से सुन नहीं पाते हैं, और इसी जो ये 20 लाख बच्चे हैं ये आगे अपनी सुनने की क्षमता नहीं होने के कारण स्कूल नहीं कर पाते हैं और किसी भी चीज़ में, किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। इसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए और लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इसके ट्रीटमेंट के बारे में कैसे इस कमी को हम ओवरकम कर सकते हैं, उस बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आज हम यहाँ वर्ल्ड हियरिंग डे, जो कि 3 मार्च को मनाया जा रहा है। हमारे हॉस्पिटल में हम वर्ल्ड हियरिंग डे मना रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने जितने भी हमारे रीजन के, हमारे नागपुर एरिया के जो बच्चे हैं जो बचपन से सुन नहीं पाते हैं, ऐसे बच्चों को हमने बुलाया है ताकि हम उनका जांच कर सकें फ्री में, और इन लोगों को जो आगे ट्रीटमेंट है वो हम गवर्नमेंट की सहायता के साथ उन्हें फ्री में वो ट्रीटमेंट दे सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत नाइक, नाक कान घसा तज्ञ, नागपुर। आज का फार नाक कान घसा तज्ञांसाठी विशेष दिवस आहे, ज्याला आपण आज जो वर्ल्ड हियरिंग डे म्हणतो असं संबोधतो। इट्स नॉट अ सेलिब्रेशन, इट्स अ डे। हा एक दिवस आहे, हा मान्यत्व दिल्या गेलं या दिवसाला WHO-कडून, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनकडून, की 3 मार्च दरवर्षी वर्ल्ड हियरिंग डे म्हणून साजरा करण्यात यावा, मानण्यात यावा। वर्ल्ड डेफनेस डे वेगळा, वर्ल्ड हियरिंग डे वेगळा। हियरिंग म्हणजे आपण ऐकण्याचा, आपण बहिरेपणाबद्दल नाही, कसं ऐकावं, कसं चांगल्या प्रकारे ऐकावं आणि कसं आपलं ऐकणं आयुष्यभर सांभाळून ठेवावं, कारण ऐकणं ही जी आपली सेन्स आहे, 5 सेन्सेसपैकी फार महत्त्वाचं ऐकणं हे असतं, जसं बघणं, स्पर्श, वास, चव, त्यामध्ये ऐकण्याला एक वेगळं प्राधान्य आहे, कारण ऐकणं हे त्रिमितीमध्ये, 3 डायमेन्शन्समध्ये आहे। कुठूनही आवाज आला, मागून जरी आवाज आला तरीसुद्धा आपल्याला कळतं, आणि म्हणून ऐकणं हे फार महत्त्वाचं आहे आपल्या जीवनासाठी, जगण्यासाठी, म्हणून ते आयुष्यभर जपून कसं ठेवावं, त्याबद्दल हा दिवस असतो वर्ल्ड हियरिंग डे। बता दें कि WHO ने 3 मार्च 2007 को पहली बार विश्व श्रवण दिवस मनाया। 2016 में उन्होंने इस दिन को वर्ल्ड हियरिंग डे के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार भोर के साथ दिशा हटवार, BCN News, नागपुर।